बचपन में ही अब्रॉड जाते हुए जब मैंने अपने आंखों के टेस्ट कराए तो मुझे कलर ब्लाइंड डिक्लेयर किया गया। अब समझते हैं कि आखिर में होता क्या है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर निधि ज्योति शेट्टी, जो कि एक कंसल्टेंट ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट है एट डॉक्टर अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल, उनका यह कहना है कि कलर ब्लाइंडनेस या कलर विजन डिफिशियंसी एक इम्पेयरमेंट होती है, जहां एक इंसान कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ये कंडीशन जेनेटिक रहता है। अब ये दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है रेड ग्रीन कलर विजन डिफिशियंसी। अब ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कलर ब्लाइंडनेस है, जो प्राइमरीली इफेक्ट करता है मेल्स को, और ये लिंक्ड रहता है टू अ सर्टेन क्रोमोसोम, जिसको कहते हैं एक्स क्रोमोसोम। इंडिविजुअल्स जिन्हें रेड ग्रीन कलर विजन डिफेक्ट होता है, वो स्ट्रगल करते हैं बिटवीन कलर्स, जैसे कि रेड्स, ग्रीन्स, ब्राउन्स एंड ऑरेंजेस। वो एक ऐसी दुनिया देखते हैं जहां ये शेड्स ब्लेंड होते हैं विद ब्लूज एंड येलोस, स्टैंडिंग आउट मोर डिस्टिंक्टली। ये डॉक्टर शेट्टी का है कहना। अब जेनेटिक लिंक के कारण ये कंडीशन ज्यादा मेल्स में दिखाई देता है देन फीमेल्स। दूसरा आता है ब्लू येलो कलर विजन डिफिशियंसी। ये लेस कॉमन होता है देन रेड ग्रीन। ये फॉर्म ऑफ कलर ब्लाइंडनेस को ट्रिटन डिफेक्ट्स कहा जाता है। अब इंडिविजुअल स्ट्रगल करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लू एंड ग्रीन शेड्स, जो ऑफन कंफ्यूज करता है डार्क ब्लू विद ब्लैक, या मिस्टेक करता है ब्लूज फॉर पर्पल्स। अब ये टाइप ऑफ कलर विजन डिफिशियंसी रिजल्ट करता है इन डिफिकल्टी डिस्टिंग्विशिंग सर्टेन कलर्स, और कॉज करता है कंफ्यूजन जब हम डार्कर शेड्स को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। यही डॉक्टर शेट्टी का कहना। अब आते हैं इसके अगले पढ़ाव पे, जो है द स्टैंडर्ड टेस्ट्स फॉर कलर विजन डेफिशिएंसीज। अब इसमें सबसे पहले इंक्लूड होता है इशियारा टेस्ट। आपने देखा होगा एक किताब जिसमें काफी डॉट्स बने रहते हैं, पैटर्न बना रहता है ऑफ नंबर्स, जिससे पहचानना पड़ता है। अब ये प्लेट जो यूज होते हैं विद कलर्ड डॉट्स, ये अरेंज होते हैं स्पेसिफिक पैटर्न्स। इंडिविजुअल्स जिनकी नॉर्मल विजन है वो पैटर्न्स में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, जबकि जिन्हें कलर ब्लाइंडनेस है वो स्ट्रगल करते हैं। दूसरा आता है एनोमालोस्कोप। अब ये टेस्ट मेजर करता है कि कैसे इंडिविजुअल्स परसीव करते हैं कलर्स को बाय आस्किंग देम टू मैच द लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब कलर ब्लाइंडनेस का कोई क्योर नहीं है, लेकिन ये मैनेज हो सकता है विद, सबसे पहले आता है स्पेशलाइज्ड आईवेयर। ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंसेज डिजाइन होते हैं फॉर कलर ब्लाइंडनेस, जो हेल्प करता है इंडिविजुअल्स टू परसीव कलर्स मोर एक्यूरेटली। ये फिल्टर करते हैं सर्टेन वेवलेंथ्स ऑफ लाइट टू एनहांस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कलर्स। फिर दूसरा आता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। एप्स और डिजिटल टूल्स अवेलेबल होते हैं जो लोगों को हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई कलर्स करेक्टली। अब ये टूल्स पर्टिकुलरली यूजफुल रहते हैं इन एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एनवायरमेंट्स। क्या कहना आपका इसके बारे में, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।